हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं जो पिता ने सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेचैनी में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में हैं, तो यीशु मसीह से आपको बताना है। यीशु मसीह हमारे आंसू को पोंछ डालेगा। परमेश्वर हमारी बीमारियों को, दुखों को, गरीबी को ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएँ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले ही जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, ठीक है। इसलिए हम सभी को अपने आप को पवित्र कर रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियजनों, हम सभी को पवित्र बने रहना है, पाप गलती गुनाह नहीं करना है, क्योंकि पाप के द्वारा जो हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ा होता है ना, वो टूट जाता है, ठीक है। क्योंकि पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकते हैं, ठीक है मेरे प्रियजनों, ठीक है। सुबह शाम पिता से विनती करिए, जो पिता आपको हर एक दिन दिखाता है, किरण चमकाता है, सुबह दिखाता है, रात दिखाता है, इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे, ठीक है। शाम की प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना, प्रार्थना को काट पीट के मत देखिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, ठीक है। और प्रार्थना को आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। सारी जरूरतों को पिता से बताएंगे। प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे यीशु पापा, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, जो आपने पिता हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते। मेरे प्रभु, मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे प्रभु, जो मर गए होंगे पिता, और अपने परिवार वालों से, घर मोहल्लों से, भाई बहनों से पिता बिछड़ गए होंगे पिता, और एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती, जाके के नहीं मरती। मेरे समय, मेरे पिता, जो आपने सभी को जीवित रखा पिता, इस संसार से चुना पिता, इस संसार से चुन के अलग कर दिया पिता, आपने ज्योति में कर दिया, अंधकार से हटा के ज्योति में किया प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भवन सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो बीमार पड़े हैं पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता परमेश्वर प्रभु, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके नाम से पिता, ये भाई बहन चंगे हो जाए प्रभु, आपके नाम से हील हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, होली गोश पर यीशु मसीह के नाम से, रसीब करो चंगाई यीशु मसीह के नाम से, रसीब करो चंगाई यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग को महसूस करो, मिराकल को महसूस करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रभु, पिता, आपकी स्तुति करते, आपकी बढ़ाई करते, आपकी जय जयकार करते। मेरे पिता, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि, आप राजाओं की राजा, प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रभु, आपने ऐसा वचन के माध्यम से कहा प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता हर एक जन की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, हर एक जनों को छू लीजिए पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, मेरे प्रभु, जानलेवा हमला खतरनाक करने वाली बीमारियां, घातक बीमारियां पिता हैं पिता, नहीं ठीक होती प्रभु, आपके नाम से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो जाए, हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपके लहू का छिड़काव करते प्रभु, आपका दाहिना हाथ पिता, चंगाई वाला हाथ पिता, हर एक जनों को छू ले मेरे स्वामी। मेरे प्रभु, आपके नाम से पिता लोग चंगे होते प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराते प्रभु, उनकी औकात है प्रभु आपके सामने खड़े रहने की, टिके रहने की यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। या हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु। मेरे पिता, जो गरीब है पिता परमेश्वर, जो गरीब है, जो लाचार है पिता, जो कमाने नहीं है मेरे क्षमे, मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो इधर उधर उधार ले रहे हैं पिता, 100-200 रुपए पर प्रभु, ये इधर उधर उधार ना ले नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे प्रभु आपके पीछे हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए यीशु राजा पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता परमेश्वर पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए प्रभु, अन्य जाति लोग इनका हंसी ठट्ठा मजाक ना करने पाए मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप इन्हें पिता
बरकत दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे प्रभु आपने ऐसा वचन के माध्यम से कहा है यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हर एक जनों के घरों के ऊपर आशीष एवं डेल दीजिए पिता, बंद आशीष से खुलने पाए प्रभु। ओपन द डोर पिता, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से के घरों के ऊपर प्रभु। मेरे पिता ये बहुतेरी जातियों को उधार देने बन जाए पिता, ये मांगने लिए नहीं मेरे समय इनके हाथ देने बनने पाए यीशु मसीह के नाम से, इनके हाथ देने हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की योम सृष्टि करता मालिक है। मेरे पिता स्वर्ग पृथ्वी का सरदार मेरे मालिक आपको दिया गया है प्रभु, आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी को स्वर्ग दे सकते हैं प्रभु। शैतान के वश में, शैतान के अधिकार में कुछ भी नहीं है प्रभु, वो तो उस नर्क में जाएगा ही पिता। आपने उसका न्याय पहले ही से कर दिया है प्रभु, आपने कहा है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा पिता। आपने कहा है प्रभु अपने पापों को मानो, मेरे सामने छोड़ो, उन्हें पश्चाताप करो, मान लो, उसके ऊपर दया की जाएगी मेरे प्रभु। आपने कहा है जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता प्रभु। आपने कहा है जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी मेरे पिता परमेश्वर पिता। हर एक जनों के अपराधों को पिता माफ कर दीजिए प्रभु, हिम की नाई स्वच्छ कर दीजिए, बर्फ के समान व्हाइट कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर पिता हम सभी मनुष्यों से पाप गलती गुना हुए हैं पिता, होते हैं पिता, अनजान में गलतियाँ हुई हैं प्रभु। आप माफ करें पिता, आप क्षमा करें मेरे प्रभु। हम मानव जाति हैं पिता, हम सभी से पाप गलती गुना हो सकते हैं यीशु पापा। आप माफ करें, आप क्षमा करें प्रभु, अपने लहू से शुद्ध करें प्रभु। आपका लहू बहुत ही कीमती है मेरे पिता, आपने अपना लहू बाकी मेरे स्वामी हम सभी को मोल खरीद लिया है पिता। पापों का बोझ पिता, इन मानव जाति का, इस संसार का पापों का बोझ पिता आप अपने पर ले लिए पिता। बीमारियों का बोझ पिता आप अपने पर ले लिए प्रभु, और कलवरी क्रूस पे चढ़ गए, बलिदान हो गए प्रभु। और पिता इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, कोड़िए पाइजों को शुद्ध किया पिता। आप यहोवा जुलावर हैं पिता मेरे प्रभु, आपकी ना कोई तुल्य हुआ और ना कोई पाएगा जगत में मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग आपकी हुजूरी में पिता आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, घुटने टेक के हाथ फैलाए हुए बैठे हैं मेरे पिता, जो आपसे कुछ मांग रहे हैं प्रभु आपने दीजिए पिता, ये उदास निराश ना होने पाए मेरे प्रभु। पिता शैतान ने परीक्षा में ना ले जाने पाए पिता, शैतान ने भरमाने ना पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता जितने लोग आपकी हुजूरी में बैठे पिता, पवित्र आत्मा जी हर एक जनों को छू लीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, हर एक जनों को ब्लेस कर दीजिए प्रभु, ब्लेस होने पाए प्रभु। मेरे पिता जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है सोने में पिता परमेश्वर, जो शैतान के जीवन में कार्य करता है प्रभु, हम चाहते हैं पिता ये जब ये लेटे प्रभु तब इन्हें सुख की नींद आने पाए प्रभु। मेरे पिता आपने अपने वचन के माध्यम से कहा है प्रभु, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक कांदले भय से न डरना मेरे प्रभु। आपने ऐसा वचन के माध्यम से कहा है प्रभु, मुझे आशा है विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना है प्रभु। ये छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।